तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र मॉडल क्वेश्चन के बारे में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि हो सकता है इन क्वेश्चनों में से जो आज मैं वीडियो में बताऊँ कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में संस्थापकों एवं महापुरुषों को क्या कहा जाता था। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा दो टाइप में हो सकता है, क्योंकि इस समय जो हम कह रहे हैं तो वो है जाएगा, अगर था की बात आए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था और है लगता है। ठीक है, एक है आचार्य, बी नंबर मुनि, सी नंबर राष्ट्रगुरु, डी नंबर तीर्थांकर। तो इन ऑप्शनों में से क्या कहा जाता था, जिन स्टूडेंट को राइट में आंसर मालूम बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो संस्थापक एवं महापुरुषों को जैन धर्म में तीर्थांकर कहा जाता था। ठीक है, तीर्थांकर राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, नंबर एक विफाल्ट, बी नंबर मैक्स वेबर, सी नंबर मैरेट और डी नंबर मैक्स मूलर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत के जो समर्थक वो है मैक्स मूलर, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं, नंबर एक शाक्त, बी नंबर शैव और सी नंबर वैष्णव और डी नंबर है इनमें से सभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो इनमें से सभी हैं, शाक्त, शैव, वैष्णव, इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कितना, चार नंबर था ना क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन ये है कि धर्म संबंधी आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा मैरेट ने, टायलर ने, मैक्स मूलर ने, टायनबी ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, धर्म संबंधी आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है टायलर ने, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन सही से समझिएगा क्योंकि ये सब साइंटिस्ट या समाजशास्त्री के नेम है। ठीक है, समाजशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मॉडल पेपर, तो समाजशास्त्री हैं ये सब, मैक्स मूलर, टायलर। तो ध्यान दीजिएगा किसका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे बेसिक उसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीन शॉट भी ले ली सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसने कहा या ये कथन किसका है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन एक है मजूमदार तथा नादान, बी नंबर है कार्ल मार्क्स, बी नंबर मैक्स वेबर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो धर्म जनता के लिए अफीम है ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि धर्म जनता के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स ने ये कथन कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने दिया है। ऑप्शन एक है प्रियुस, बी नंबर दुर्खीम, सी नंबर मार्क्स और डी नंबर है मार्क्स वेबर। तो धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम जो है वो समाजशास्त्री ने दिया है, दुर्खीम समाजशास्त्री ने दिया है, इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से दी गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, निम्नलिखित में से जो दी गोल्डन बो के लेखक हैं वो हैं, जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा दी गोल्डन बो के पुस्तक के लेखक हैं जेम्स फ्रेजर जी, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, जेम्स फ्रेजर जी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन एक बिल्कुल मिल जा रहा है सिख धर्म से, बी नंबर जैन धर्म से, सी नंबर बौद्ध धर्म से और डी नंबर है हिंदू धर्म से। तो अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ध्यान दीजिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से विशिष्ट धर्म कौन सा है, नंबर एक है मित्र धर्म, बी नंबर राज धर्म, सी नंबर युग धर्म और डी नंबर इनमें से सभी। तो इनमें से जो विशिष्ट धर्म है वो है युग, राज धर्म, मित्र, तीनों हैं।
ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी विशिष्ट धर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है कि महावीर स्वामी जैनियों के कौन से तीर्थांकर हैं। कि महावीर स्वामी, क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले कि जो महावीर स्वामी जी हैं ठीक है, वो जैन धर्म के कौन से तीर्थांकर हैं। आपने पढ़ा होगा कि पचवें, छठवें, ठीक है, और भी बहुत सारे आपने चौथवें, ठीक है, अर्धवें ऐसे पढ़े होंगे। तो वही क्वेश्चन मतलब है कि महावीर स्वामी जी जैन धर्मियों के कौन से तीर्थांकर हैं। तो क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर, चौथवें। ओके, राइट आंसर सी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि धर्म को सामूहिक चेतना का प्रतीक किसने माना है। ऑप्शन है कि टायलर ने, बी नंबर है मार्गन ने, और सी नंबर मैक्स मूलर ने, और डी नंबर है दुर्खीम ने। ठीक है, तो धर्म को सामूहिक चेतना का प्रतीक माना है दुर्खीम ने, इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जटिल समाज में धर्म है, जटिल समाज में धर्म है। ऑप्शन एक है राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं है, राजनीति पर हावी रहता है। अगला है राजनीति के संयत बनाने के लिए आवश्यक है, और अगला ऑप्शन है राजनीति से शासित होता है। तो मैं आपको बता दूं जो जटिल समाज होता है, ठीक है, जो जटिल समाज में धर्म है वो है राजनीति से शासित होता है। ठीक है, राजनीति से शासित होता है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से सामान्य धर्म के लक्षण कौन से हैं। नंबर एक है धृति, बी नंबर सत्य, सी नंबर आस्ते, और डी नंबर है इनमें से सभी। तो निम्न में से जो सामान्य धर्म के लक्षण इनमें से सभी हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, धृति, सत्य, आस्ते तीनों हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये कि मन स्मृति में सामान्य धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं उनकी संख्या है। ऑप्शन एक है 6, बी नंबर है 8, और सी नंबर है 15, और डी नंबर है 10। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, वो 10 लक्षण बताए गए हैं, उनकी संख्या 10 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 10। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सभी धर्मों का प्रमुख तत्व है। नंबर एक जुदाई क्रियाएं, बी नंबर प्रतीक तथा कर्मकांड, और सी नंबर है अंतर्विवाह, और डी नंबर है निराकार शक्ति में विश्वास। तो निम्न में से कौन सभी धर्मों के लिए प्रमुख तत्व है, वो है मैं आपको बता दूं, वो राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर प्रतीक तथा कर्मकांड। ओके, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि धर्म की व्याख्या के लिए, ओके, धर्म की व्याख्या के लिए पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विचारक का नाम या विचारक कौन है। नंबर एक है दुर्खीम, बी नंबर मनु, सी नंबर लुई ड्यूमा, और डी नंबर मैक्स वेबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्खीम। धर्म की व्याख्या के लिए पवित्र एवं पवित्र की अवधारणा प्रतिपादन करने वाले विचारक दुर्खीम है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्म की एक प्रमुख विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्म की एक प्रमुख विशेषता इनमें से कौन है। ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं असहाय लोगों की सहायता, उचित तथा अनुचित का बोध, जाति के नियमों का पालन, अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो धर्म की एक प्रमुख विशेषता जो है वो है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अलौकिक शक्ति में विश्वास, डी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि धर्म के उत्पत्ति को दर्शाने के लिए दुर्खीम ने किस जनजाति के उत्सव का उदाहरण दिया है। नंबर एक ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा की, ठीक है, ये क्वेश्चन ये थोड़ा टाइप करने में से मिस हो गया ऐसा था, ठीक है, अरुण आदाटा और ये, ओके, ऑस्ट्रेलिया का अरुंटा। दूसरा ऑप्शन है नवाजो, बी नंबर है टोडा, और डी नंबर है होपी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि
हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? नंबर एक हिंदू धर्म में बी नंबर है, पारसी धर्म के सी नंबर, बौद्ध धर्म के डी नंबर, जैन धर्म के। जो हीन और महायान है वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये कि निम्न में से हिंदू धर्म का संबंध किस विशेषता से है? ऑप्शन एक है व्यक्ति का कर्तव्य, बी नंबर एक विशेष परिस्थिति में कार्य करने योग्य कार्य, और सी नंबर आचरणों की पवित्रता, डी नंबर इनमें से सभी। तो हिंदू धर्म का संबंध इनमें से जिस विशेषता से है वो है इनमें से सभी, यानी कि व्यक्तियों का कर्तव्य से भी है, एक विशेष परिस्थिति में कार्य करने योग्य कार्य से भी है, आचरण की पवित्रता से भी है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, sandeepinfo.com वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ विजिट करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, कुछ मॉडल पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वो भी मॉडल पेपर लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।